उसको आज राष्ट्र को दिशा देने में बेहद कारगर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान नए रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा, उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश को मजबूत किया जाए, देश को अग्रिम पंक्ति में लेकर जाया जाए, अत्याधुनिक बनाया जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से पूरे जोर शोर से चल रहा है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के तौर पर आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए। और अगले 25 वर्षों को अमृत काल के तौर पर रखा गया है ताकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और इन जो महान विभूतियों ने जो राह दिखाई है, जो इनका दर्शन है, जो इनका विचार है, उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पथ पर ले जा सके। उसको आज राष्ट्र को दिशा देने में बेहद कारगर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान नए रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा, उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश को मजबूत किया जाए, देश को अग्रिम पंक्ति में लेकर जाया जाए, अत्याधुनिक बनाया जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से पूरे जोर शोर से चल रहा है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के तौर पर आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए। और अगले 25 वर्षों को अमृत काल के तौर पर रखा गया है ताकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और इन जो महान विभूतियों ने जो राह दिखाई है, जो इनका दर्शन है, जो इनका विचार है, उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पथ पर ले जा सकें।